नमस्ते, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आपके 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज उसके हम जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट होती है उसको कंप्लीट करेंगे। उस प्रैक्टिस शीट में आपके अब तक के आपके जो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं उसमें से मिक्स होके आ गए हैं, तो आपको वो एक बार कंप्लीट करा देती हूँ। प्रैक्टिस शीट शीट में अभी लिखा भी वही है, उसमें पेज नंबर लिख देती आपको क्या करा रही हूँ। अगर आपको 5.9 तक की एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी, तो अभी हम आज उसकी प्रैक्टिस शीट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर। अब पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ, रुक जाइए। आपको पेज नंबर ओपन करना है 54 55, दोनों चीज करेंगे, मेंटल मैथ्स और प्रैक्टिस शीट। पेज नंबर 54, इसको मैं रब कर रही हूँ, मैं चैप्टर 5 लिख के पेज लिख रही हूँ बस। पेज नंबर 54 और 55, ठीक है? ओके, तो आज हम ये पेज नंबर कंप्लीट करेंगे, बुक में करनी है। ये सभी पेज नंबर आपको बुक में फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको राइट रॉन्ग का निशान लगाना है। फर्स्ट में पहले तो आपको फिलअप करने हैं, मेंटल मैथ्स में पूरा फिलअप दिया हुआ है, तो वो मैं आपको कर करके दिखाई जाऊंगी। आपको सुनते जाना, आपको समझते जाना है और बुक में फिल कर लेंगे अगर हो सके तो। अगर नहीं है तो आप बाद में आपको जो सेंड किया जाएगा वर्क उसमें से देख के कर लेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले तो आप डेट देखेंगे, 25 सितंबर, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 5, पेज नंबर 54 55। आप ओपन करेंगे बुक में। यस, ओपन योर बुक। नहीं आंसर नहीं है, जोश आंसर नहीं देना बेटा, मैं आपको समझाती जाऊंगी एक बार, वो बाद में करेंगे फिर, ठीक है ना? ओके, ठीक है बेटा, आप सुनना एक बार ध्यान से, क्योंकि इसमें सारी चीजें रिपीट करा रही हूँ मैं एक बार थोड़ा सा। ओके, ओपन हो गया सबका, नाउ स्टार्ट। ओके, सबसे पहले पेज नंबर 54 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मेंटल मैथ्स में? फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम थ्री हंड्रेड प्लस फाइव टेंस प्लस फाइव टेंस इज इक्वल टू, ऐसे दिया आपको, ये दिया गया है ना, तो 300 क्या होगा बेटा? 300 5, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 300 प्लस 5 टेंस मीन्स 50, तो 300 प्लस 50 कितना हो गया? 350 आपका आंसर, आपको ये लिखना है, ये लिखना है आपको, ठीक है? ओनली 350, ये आपको मैंने समझा दिया है। 300 मीन्स 300, 5 टेंस मीन्स 50, और दोनों को प्लस करेंगे 350 आपका आंसर है। ओके, मैं फिल इन वो आपकी बुक में फिल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पर चले बेटा, हो गया फिल, चलते क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, कर लो, 1 मिनट करो, सभी को करना है। यस, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है? 6000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 7, बताओ क्या लिखेंगे? 6000 का 6, 300 का 3, 30 का 3 और 7 का 7, ये आपका आंसर 6337। अब इसी को साइड में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, 789 प्लस 8000, इसका क्या मीन्स है बेटा? 8000 में आपको ये 789 प्लस करना है, तो कैसे करेंगे आप? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले तो वंस के साथ प्लस करते हैं, डायरेक्ट करके दिखाती हूँ।
नाइन प्लस जीरो नाइन, फिर टेंस को टेंस के साथ, एट प्लस जीरो एट, फिर इसको रब कर दो अगर आपको डाउट लग रहा है तो, फिर हंड्रेड को हंड्रेड के साथ, सेवन प्लस जीरो सेवन, ओके ये भी सब हो गई है। ठीक है, मैं आपको समझाने के तरीके डायरेक्ट कैसे करते हैं। और एट थाउजेंड के लिए इधर कोई नहीं है, नया वैल्यू नहीं है, इधर वैल्यू है, तो एट ऐसे ही आएगा। ओके क्या आंसर आ गया आपका, एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी सेवन, एटी नाइन सॉरी। और आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं, एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी नाइन प्लस करके देखेंगे तो नाइन एट सेवन एट आ गया ना, सेम आंसर इसके जैसा है ना। तो सेकंड कार्ड फिल करेंगे बुक में, चलते हैं फोर्थ पर। व्हाट इज द सम ऑफ फाइव फर्स्ट फाइव नॉन जीरो इवन नंबर, नॉन जीरो इवन नंबर है उनके सम कितना होगा, क्वेश्चन नंबर फोर, थर्टी टू, ये थर्टी टू इसका आंसर लिखेंगे फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये पांचों क्वेश्चन एक बार कर रही है, एक साथ लिख लेंगे आप बुक में। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लिखना है 53 प्लस डैश है ना, ऐसे दिया, फिर लिखा 47 प्लस 53, तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से कौन सा मिस है यहाँ पर, 47। बी क्वेश्चन 69 प्लस डैश इज इक्वल टू 69। अब इस 69 में कितना नंबर ऐड किया जाए कि हमारा आंसर 69 रहे, जीरो। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप अपनी बुक में फिल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट पर चलते हैं। यस डू इट, आपकी बुक में फिल कर लेंगे सभी बच्चे। बेटा हो गया सबका, नहीं ये कॉपी में नहीं करना आपको, ठीक है ये नोटबुक में नहीं करना है फिल करना, ये आपको बुक में ही फिल करना है सर। ओके आज बुक वर्क है आपके लिए, ओनली बुक वर्क करेंगे बस वही आपके लिए। सबका हो गया बेटा, खुशी वीरेंद्र जो जो इसका तो हो गया है, आर्यन और भी सबका हो गया है। नेक्स्ट पर चले, चलो पेज नंबर खोलेंगे 55। अब पेज नंबर 55 पर आ गए, ये हो चुका हमारा, अब इस पर चलते पेज नंबर 55। अब आ गए हम प्रैक्टिस शीट पर, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, पहले लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको तीन चार चार आंसर दिए गए हैं, फोर फोर आंसर आपके पास, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर लिखना है। ठीक है, मैं आंसर बता आपको, क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर लिखते जाऊंगी, आप अपनी बुक में मार्क करते जाएंगे। आपको राइट का निशान लगाना है, जो सही आंसर है उसको राइट का निशान लगाएंगे। ओके क्वेश्चन वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर
एंड द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज। अब देखो बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर कैसे नहीं पहचानोगे आप इसको, बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 999। ओके फिर क्या लिखा है, एंड द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर सबसे छोटा वन डिजिट नंबर क्या हो गया, वन है ना। इनको प्लस करो, इन दोनों का सम पूछा है, 9 + 1 = 0, 9 + 1 = 0, 10 का 0, 0 नहीं हुआ मतलब 10 का 0 लिखा है, 9 + 1 = 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 + 1 = 10, 10 का 0 1 कैरी, और 9 + 1 = 10, 10 यहाँ पर पूरा लिखेंगे। तो क्या आंसर है फर्स्ट का, 1000। ऑप्शन कौन सा है, बी, बी पर राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये करना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप इसको करेंगे नहीं, आपको सिर्फ 1000 वाले पे बी ऑप्शन पर राइट का निशान लगाना है। ओके क्वेश्चन नंबर टू, द सम ऑफ द बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर, सम ऑफ बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर, सबसे बड़े बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर ये हो गया ना 9999। अभी करके दिखा रही आंसर कैसे निकालते हैं। फिर लिखा है एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, छोटे वाले थ्री डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 100। क्या होगा इनका सम दोनों का, 9 + 0 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, 10 का क्या लिखेंगे, 0 और 1 कैरी, 9 + 1 = 10, 10,099। क्या आंसर आ गया, 10,099। क्या ऑप्शन कौन सा था ये, ए। मैं आंसर निकाल के ऑप्शन देख रही हूँ, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिया गया उससे आंसर पहचान सॉल्व करके फिर मैं आंसर दे रही हूँ। ओके थर्ड, सम ऑफ द बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर, बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन से है, 999। ओके फिर क्या है, एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है, 10, प्लस करेंगे 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, 10 का 0 और 1 करी, 9 + 1 = 10, आंसर आ गया 1009। ऑप्शन है आपका ए, ये भी ए है, राइट का निशान लगाएंगे इसको। ठीक है बेटा, मैं सोल्व कर करके दिखा रही हूँ आपको कैसे निकाले मैम ने, मैं ऑप्शन की तरफ देखा ही नहीं है कहाँ पर लिखा है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसी से सोल्व करके फिर आंसर ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन पे है, बी पे है, सी पे है, ए पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन फोर, द सम ऑफ द बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर, बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन से हो गए, 9999, एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, है ना, प्लस कर दो इनको, 9, 9 + 1 = 10, 10 का 0, 9 + 1 = 10, 10 का 0, 1 carry, 9 + 1 = 10, 10,009, कितना आंसर आ गया, 10,009, कौन सा ऑप्शन है ये, सी, सी पे राइट कर सकते। आप ये चारों क्वेश्चन देखेंगे करो, ये सभी ये क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, जो आंसर दिया गया उस पर मार्क करेंगे, एक मिनट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगी, आप तब तक देखेंगे, सभी बच्चे करेंगे। डन, सबका हो गया, ओवर डन बेटा, चले, यस कंप्लीटेड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स,
क्या है 2600 वन प्लस 4299 इक्वल टू डैश प्लस 2691 सॉरी 601 ये क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। तो आपकी सबसे पहले देखना आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इधर दोनों नंबर कंप्लीट दिया, यहाँ पर आधे एक नंबर लिख के अधूरा छोड़ दिया, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर नहीं लिखा है 4299 सेकंड पर देयर आर डैश टेंस इन 83 सेकंड देयर आर डैश टेंस इन 83 83 में कितने टेंस है बताओ 83 में कितने टेंस है 3 वाज 8 टेंस तो 8 टेंस है तो 8 लिख देंगे आंसर, क्या आपका आंसर हो गया। अलग कलर से लिख देती हूँ या इससे लिख देती हूँ उससे अंडरलाइन कर दूंगी ठीक है। एट टेंस जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रही है वही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देयर आर डैश हंड्रेड इन 1000 देयर आर डैश हंड्रेड इन 1000 ठीक है ऐसे लिखा 1000 में कितने हंड्रेड होते हैं 1000 में कितने हंड्रेड होंगे बताओ 1000 में कितने हंड्रेड होंगे 10 ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर डैश थाउजेंड इन 28,357 28,357 में कितने थाउजेंड है बेटा 28 कितने हैं 28 कितने थाउजेंड बोल के देख लो 28,357 उन्होंने ये पूछा कितने थाउजेंड है इसमें 28,000 फाइव थ्री टेंस प्लस फाइव टेंस प्लस फोर टेंस इज इक्वल टू डैश टेंस इज इक्वल टू डैश वंस हंड्रेड सॉरी प्लस टू टेंस मोर इधर कर देती हूँ जब अब दिखाई दे रहा है ना सर ये टेंस मैं गुड फिल करती हूँ ब्लैक से फिर अंडरलाइन कर दूंगी कितना है थ्री टेंस प्लस फाइव टेंस प्लस फोर टेंस कितने टेंस बन गए ये 12 टेंस थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस फोर 12 यहाँ पे 12 लिखेंगे 12 टेंस इज इक्वल टू 100 12 टेंस में कितने हंड्रेड हो गए 100 और टू टेंस तो आपको जो ग्रीन कलर से कर रही हूँ अंडरलाइन उसको आपको फिलअप में डालना है सिक्स है क्वेश्चन सिक्स 16,120 प्लस 10 कितना आंसर हो गया 16,130 20 के 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो
हो जाएगा बेटा 30, तो आंसर आपका आ गया 16,130। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 3 + 3 = 6, सो 30 + 30 = कॉमा 300 + 300 = बताओ 30 + 30 = 60, 300 + 300 = 600। ये सेवेंथ के सेवेंथ क्वेश्चन हो गए, आप एक बार इनको फिल करेंगे सिंपल से बैठ कर, अपनी बुक में फिल करो, फिर एक मिनट के बाद रब करके फिर नेक्स्ट पर चलते हो। डन बेटा, हो गया सबका क्वेश्चन, हो गया। और भी खुशी, आर्यन, मानसी, जो है सबका कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, एक दो बच्चे का रह रहा, उनको करने दो, ठीक है। कर दो ना इसको। अब है ट्रू फॉल्स, सही आंसर के लिए ट्रू को टी लिखेंगे और गलत आंसर के लिए फॉल्स को एफ लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। मैं आंसर लिखूंगी इनके, आपको सही आंसर के लिए ट्रू के लिए टी लिखना है और रॉन्ग आंसर के लिए फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द सन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडल्ट्स, ट्रू, ठीक है ना। जब दोनों नंबर का ऐड किया जाता है तो उनका आंसर हमेशा बड़ा ही होता है, तो इट इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू, आप या स्पेलिंग लिख लो पूरी या फिर टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई कुछ भी लिख सकते हो, ओके। सेकेंड, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर +1 = the greatest 4-digit number, false. Smallest 3-digit number is 999. इसमें plus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000. और 1004 भी greatest digit number तो नहीं बन रहा. It is wrong. तो wrong के लिए क्या लिखेंगे? False. आप F भी लिख सकते हो. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. True को T लिख सकते हो और false को F लिख सकते हो. Question 3. The number in the one's place of the sun is 2164 + 2172. देखो आप, ये नंबर दिए गए हैं
अगर इनका आंसर वंस प्लस पे सिक्स आता है तो आपका ट्रू रहेगा। नीचे लिखना है, अब देखो वंस प्लस पे क्या रहा, फोर प्लस टू सिक्स आ गया ना, वंस प्लस पर सिक्स है, सो इट इज ट्रू। थर्ड में क्या लिखेंगे, ट्रू, यानी के सही आंसर है, या फिर टी लिखो या फिर ट्रू लिख दो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर फोर। 9999 plus 1 is equal to 1000 is wrong, right? Then is no 1 plus, can I say 1000 thori aega, zero honge to kya likhenge, false. Question number 5, the sum of 16,250 and 1898 is an even number. Yes, true. Sixth question. The sum of any three odd number is an even number. अगर किसी three odd number का sum करते हैं तो वो even number होता है. It's wrong, false. Yes, first is true, second false, third true, fourth false, fifth true, sixth false. Yes, do you have book? ये सभी क्वेश्चन आपको ओनली बुक में ही करने हैं, आपने आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। हो सकता है मेरी कई बच्चों ने तो साथ साथ कर लिए होंगे मैम के, है ना, कर लिए ना मैम के साथ साथ कई बच्चों ने तो ओके, तो आपको इनको अपनी बुक में करना है। आज कॉपी वर्क नहीं है आपका, ओनली बुक बुक वर्क है, तो आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, अच्छे से वर्क करते रहना साथ साथ मैम के। ओके बेटा।